स्कंद दसवां छियासीवां अध्याय। अर्जुन ने सुभद्रा को हर के ले जाना। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा, जैसे द्वारका से अर्जुन श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा को हर के ले गए, सो प्रसंग कहता हूँ, तुम मन देकर सुनो। देवकी की बेटी श्री कृष्ण जी से छोटी, जिसका नाम सुभद्रा, जब ब्याहन योग हुई तब बसदेव जी ने कृष्ण बलराम अरकेई जदवंशी बुला के कहा कि भाई, कन्या ब्याहन योग हुई है, इसका वर कहीं ढूंढो। बलराम जी बोले कि बैर प्रीत समान से करनी अच्छी होती है, सो एक बात मेरे मन में आई है कि ये कन्या दुर्योधन को ब्याह दो तो जग में जस होगा। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि मेरी विचार में आता है कि जो अर्जुन को लड़की दी जाए और जगत में जस ली जाए। सुखदेव जी बोले कि महाराज, बलराम जी के कहने पर तो कोई ना बोला, पर श्री कृष्णचंद्र जी के मुख से यह बात सुनते ही सब कहने लगे कि अर्जुन को कन्या देनी अति उत्तम है। इस बात के सुनते ही बलराम जी बहुत बुरा मान वहां से उठकर चले गए। उनका बुरा मानना देकर सब लोग चुप हो रहे और अर्जुन सन्यासी बन सुभद्रा को ले गए। तब राजा परीक्षित ने पूछा कि स्वामी, अर्जुन जी सन्यासी बनकर क्यों ले गए? तब सुखदेव जी बोले कि राजन सुनो, जब द्रौपदी कुंती माता की आज्ञा से युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों की स्त्री होकर रहने लगी, तब एक दिन नारद जी ने आए के युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों को समझाकर कहा कि स्त्री व धन के लिए बाप, बेटा और भाई लड़ मरते हैं, सो तुम्हें इसलिए एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम पांचों में विरोध ना पड़े। तब युधिष्ठिर ने कहा, महाराज सो कौन उपाय है? नारद जी बोले कि वर्ष के 360 दिन होते हैं, सो तुम पांचों 72 दिन की बारी बांध लो, सो सुख होगा, और जिसकी बारिश हो तो दूसरा भाई उसके घर चला जाए तो उसको 12 वर्ष तक वनवास देना चाहिए। ये बात नारद मुनि जी की मान, पांचों भाई उसी तरह द्रौपदी को रखते थे। सो एक दिन ऐसे हुआ कि राजा युधिष्ठिर की बारी में द्रौपदी थी, सो अर्जुन का तनखमान राजा युधिष्ठिर के मकान में था, तो ब्राह्मण ने अर्धरात्र को आपकारा कि महाराज, मेरी गुएं चोर लिए जाते हैं, सो छुड़ाए दीजिए। यह सुनकर अर्जुन ने विचार किया कि इस समय राजा युधिष्ठिर के महल में तनखमान लेने जाता हूँ तो 12 वर्ष वन में रहना पड़ेगा, और जे चोर को मार ब्राह्मण की गऊ नहीं लिया देता तो क्षत्रिय धर्म जाता है, इसलिए धर्म छोड़ने से वन में ही रहना उत्तम होगा। जे विचार युधिष्ठिर के महल में जाकर तनख बहान ले आया और चोरों को मार गऊएं ब्राह्मण की ले आए और प्राप्त प्रातः होते ही अपने वचन प्रमाण सन्यासी रूप धार कर वन को चला गया। वो तीर्थ यात्रा करते करते द्वारका पहुंचा तो क्या सुना कि सुभद्रा बसदेव जी की कन्या महासुंदरी ब्याहने योग हुई है और उसका ब्याह बलदेव जी दुर्योधन नाल करना चाहते हैं और श्री कृष्ण जी इच्छा मुझे देने की है, सो मेरा विचार उसके साथ हो तो बहुत अच्छी बात है। इसी इच्छा नाल अर्जुन 4 महीने बरखा ऋतु के वहां रहा, सो द्वारका वासी उसे परमहंस समझ अपने अपने घर में रसोई खिलाने ले जावे। तो एक दिन बलराम जी भी भोजन छकाने को राजमंदिर में ले गए, सो बड़े प्रेम नाल 36 व्यंजन खिलाए। जैसे अर्जुन ने सुभद्रा मृगनयनी को देखा वैसे ही मोहित उसने मिलने को चाहा। सुभद्रा भी उसमें रूप पर मोहित हो मन में कहने लगी कि यह सन्यासी नहीं कोई राजा कुमार मालूम होता है।
परमेश्वर इसको मेरा पति बना दे तो अच्छा है। दोहरा अर्जन भोजन कर चलो मन ते रहो लुभाए, कुबर सुभद्रा मिलन को लागे करण उपाय। महाराज श्याम सुंदर अंतर्जामी अर्जन सुभद्रा के मन का हाल जान एक कथा सुनने के बहाने अर्जुन के पास गए और उसने त्रिभुवन पति को बड़े आदर भाव से बैठाकर विनती की, हे दीनानाथ मुझे सुभद्रा से विवाह करने की बड़ी इच्छा है। सो जिस तरह सब मनोरथ मेरे पूरे करते हो उसी तरह ये भी काम पूर्ण कीजिए। ये वचन सुनकर द्वारकानाथ ने कहा कि हे अर्जुन थोड़े दिन तक शिवरात्रि है, उस रोज सब द्वारकावासी रेवत पहाड़ पर श्री महादेव जी की पूजा करने जाएंगे और सुभद्रा भी वहां जाएगी। उस दिन तुम रथ पर बैठ वहां जाना, अवसर पाए सुभद्रा को उठाए रथ में बैठाए कर हस्तिनापुर को चले जाना। जो कोई तुम्हें लड़ने को आवे उसे युद्ध कर मारना और मेरा भय ना करना। ये सुन अर्जुन बहुत प्रसन्न हो वहां टिका रहा। जब शिवरात्रि को सब स्त्री पुरुष सुभद्रा समेत रेवत पहाड़ पर शिव जी की पूजा करने गए, तब संन्यास रूप अर्जुन भी कृष्ण जी की रथ ले रास्ते में खड़ा हुआ। जब सबना पूजा कर सहेलियों के साथ पीछे मुड़ी तब अर्जुन लाज छोड़ हाथ पकड़ रथ पर बैठाए हस्तिनापुर को ले चला। तब यदवंशियों ने बलदेव जी से कहा तो बलदेव जी क्रोध कर बोले, चुप ही अभी जाए पर ले मैं कर हूँ, तुम घूम उठाए हाथ पर धर हूँ, मेरी बहन सुभद्रा प्यारी ताको कैसे हरे भिखारी। महादंड अर्जुन को देवो कुमर सुभद्रा को लो। बलराम जी बड़े क्रोध से बहुत सी सेना ले अर्जुन के पीछे जाने लगे। तब कृष्ण चंद्र जी ने बलदेव जी को समझाकर कहा कि भाई सुनो, अर्जुन तुम्हारी बुआ का बेटा है, परम मित्र है, जाति कुल में उत्तम सूरवीर और यदवंशियों में ऐसा कोई नहीं जो उसके सामने युद्ध में खड़ा हो। उसने जाने अनजाने जी अनुचित किया पर हमको उसके साथ करना उचित नहीं है। तो आप क्रोध को क्षमा कर ताज दी सब वस्तु हस्तिनापुर को भेज दीजिए। यह सुनते ही बलराम जी झुंझलाकर बोले कि भाई ये तुम्हारा काम है जो पहले आग लगाई फिर पानी को दौड़ना। अर्जुन की क्या समर्थ थी जो हमारी बहन को ले जाता। इतना कह बैठ गए। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज इधर तो श्री कृष्ण चंद्र जी ने सबको समझाए कर शांत किया और उधर अर्जुन ने घर जाए के वेद की विधि से सुभद्रा का विवाह किया। विवाह का समाचार पाए कृष्ण बलराम ने वस्त्र भूखण हाथी घोड़े रथ पालकी दास दासियां सर बहुत सा धन संकल्प कर एक ब्राह्मण के हाथ हस्तिनापुर को भेज दिया। पीछे से श्री कृष्ण देव जी कई ऋषियों को साथ ले मिथिलापुरी को गए जहाँ शर्तदेव ब्राह्मण बहुलास नाम राजा दोह भगत रहते थे। इतने एक दिनों में सब ऋषियों को जाते चले जाते वहाँ पहुँच हरि के आने का समाचार पाए। वो दोनों आगे हो लेने को आए। सो प्रभु का दर्शन कर पेट दे प्रणाम किया और हाथ जोड़ बोले कि हे कृपा सिंध दीन बंद, आपने बड़ी कृपा की जो हम जैसे पंडितों को घर बैठे ही दर्शन दे कृतार्थ किया। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज अंतर्यामी श्री कृष्ण चंद्र जी ने उन दोनों भक्तों के मन की भक्ति देख दो शुद्ध स्वरूप धारण कर दोनों दे कर जा रहे। सो समेत रिखियों की उन्होंने भली बात पूजा करी, धूप दीप नई वेद 21 दिन वहां रहे, उनको सुख दिया और उनके मन का मनोरथ पूरा किया और पूरा कर उनसे कहा कि तुम वेदानुसार मेरा सिमरण और पूजन किया करो। जैसे वेद कहते हैं ऐसी तरह मैं ज्ञान दृढ़ाए वहां से विदा हुए और ऋषि मुनि आपको अपने आसन को गए। कृष्ण देव द्वारका में जाए ब्राजे दोहरा
निज ग्रह पहुँचे आन कर। सो प्रभ त्रिभुवन राय पुरवासी प्रफुल्लित भय दर्श परस सुख पाए। ओम नमो नारायण। 86वां अध्याय समाप्त। मिसी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमो नारायण।